हेलो एवरीवन, हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर रियली ग्रेट। सो बच्चों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है फॉर दोज स्टूडेंट जिनको ये पता नहीं है कि सर अटेम्प्ट कितना लें और लाइक एक्यूरेसी नाम की चीज़ भी कुछ होती है या नहीं। दिस इज गोना बी रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। बच्चों, इसमें करना क्या है बेसिकली, आज का टॉपिक अगर आप देख सकते हो तो बड़ा है, हाउ टू रिड्यूस निगेटिव मार्किंग, है ना, फॉर क्लैट 2025 एस्पिरेंट्स। सो बच्चों, निगेटिव मार्किंग पहली बात तो क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है? इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तब जाकर के क्लियर होगा कि सर बात तो सही बोल रहे हो कि निगेटिव मार्किंग होता क्या है। बच्चों सपोज करो, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा कि 120 मार्क्स का है क्लैट, ठीक है? लाइक 120 मार्क्स का क्लैट है, आपका अटेम्प्ट है बच्चों 100, ठीक है? इस 100 में आपके जो करेक्ट हो रहे हैं वो 80 करेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब 20 जा रहा है नेगेटिव। इज इट राइट? मतलब 20 आपका नेगेटिव जा रहा है। और अगर सिलेक्शन लेना है, मतलब इट्स लाइक कि नहीं सर मेरा श्योर शॉट सिलेक्शन होना चाहिए, उतना बताइए, तो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए बच्चों 105 और इसमें जितना मिनिमम नेगेटिव चला जाए उतना फायदा है ना? मिनिमम नेगेटिव जाना चाहिए, मिनिमम नेगेटिव। तो ये मिनिमम नेगेटिव पे ही हम लोग जा रहे हैं, मतलब वी आर वर्किंग लाइक दिस ऑन दिस पार्ट ओनली कि सर ये बताओ कि मिनिमम नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो बच्चों, अगर हम इस मिनिमम नेगेटिव वाले पार्ट पे जाना चाहते हैं तो इसके लिए 2-3 कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। देखो, एग्जाम में आपको सिर्फ 2 ही प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ 2 ही प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। और ये बट ऑब्वियस सी बात है, किसी भी बच्चे का 125 अटेम्प्ट नहीं होता है, किसी बच्चे का नहीं होता है, ठीक है? अगर आप टॉपर्स की भी देखेंगे तो टॉपर का अटेम्प्ट जाता है 110 मैक्स टू मैक्स या 105 में अच्छा मानता हूँ, ठीक है? ये अटेम्प्ट होता है उनका। अब इस पर कितना नेगेटिव मार्किंग जाता है वो देखते हैं। तो बच्चों लेट्स से क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन होता है बच्चों 2 टाइप का। पहला जो आपको आता है, कैन आई राइट दिस, आता है, ये मुझे आता है, ठीक है? और एक है मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है। तो बच्चों क्योंकि आपने जो प्रिपेयर किया है, बेसिकली आपको प्रिपेयर करते काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं इस पे बात करूंगा कि निश्चित तौर पे मैं इस पे जो बात करूंगा वो बात इस पे करूंगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको आता होगा और हम जब कंफर्म होंगे तभी उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, मतलब कंफर्म होंगे तभी तो जाएंगे ना। लेट्स से 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को मिनिमम करना। देखो, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आप बेसिकली -1.25 जा रहे हो। 1 नंबर तो आपका गया, साथ 0.25 उस क्वेश्चन को गलत करने के लिए गया। वैसे अगर सही होता तो 1 नंबर आता ना, आपका नेगेटिव -1.25 गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको ये आता है तब तो बहुत श्योर शॉट है कि आप ये काम करेंगे। तो ये चीज को हम कैसे अचीव कर सकते हैं बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि अगर आप मॉक अपना एनालिसिस अच्छे से करते हो कि नहीं। ये बात दिमाग में रखो कि मॉक में जो आपकी एक्यूरेसी वाला जो ग्राफ होता है, आजकल तो मॉक में शो होता है ना एक्यूरेसी वाला ग्राफ, एक्यूरेसी वाला एक पाई चार्ट शो होता है। एक्यूरेसी वाला पाई चार्ट 80% टू 90% के बीच में लाई करना चाहिए, मतलब इट शुड बी लाई बिटवीन 80% टू 90%। अगर ये ग्राफ अभी तक आपका 70% टू 70% टू 80% पे लाई कर रहा है तो इसको इंप्रूव करिए, बिकॉज 80% टू 90% का एक्यूरेसी गेट यू सिलेक्टेड, मतलब वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, आ जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा, दैट्स अ श्योर शॉट, ठीक है? और कोशिश करिए कि अभी तक 3 चीजों में नेगेटिव ना करें। जैसे सीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों का नेगेटिव जाता है, सीआर में नेगेटिव ना करें। हो सके जीके में कभी नेगेटिव ना होना चाहिए, हो सके क्वांट में कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर क्योंकि मैं ये मानता हूं कि लीगल आप पढ़ रहे हो तो इसमें आप नेगेटिव नहीं करोगे, और अगर आप सीआर में नेगेटिव नहीं करोगे तो मैं मान के चलता हूं कि इंग्लिश में भी आप नेगेटिव नहीं करोगे, दैट्स माय गारंटी, ठीक है? ये मेरी गारंटी है। देखो, एक समय के लिए अपन ये मान सकते हैं कि सर इसमें ना हमेशा 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है, 2 ऑप्शन में, ठीक है? इसमें तो कभी नहीं होगा, इसमें भी कभी नहीं होगा, और इसमें होगा तो इस इंग्लिश में भी होगा, ठीक है? तो इन दोनों में अगर 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है तो जिस ऑप्शन में लेट्स से कोई टॉपिक है उसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि सर यहाँ मुझे कंफ्यूजन है, तुरंत जाइए उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, कि क्यों ऐसा हुआ कि मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्या मैं लाइन को कौन से पार्ट को मैं मिस कर रहा हूं, तुरंत जाइए अगला 1 आवर आप उसी पे दीजिए जिस पे आपका गलत हो रहा है ऑलवेज, क्योंकि ये एक ट्रेंड मिलेगा आपको हमेशा। अगर किसी बच्चे का 2 से 3 ऑप्शन गलत हो रहा है, 2 से 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो उसको हर मॉक में ये ट्रेंड मिलेगा। तो जाइए और उस पर प्लीज वर्क करिए, उस पर अपना 1 घंटा डेडिकेटेड रूप से दीजिए कि ओके इस 1 घंटे को मैं दूंगा, मतलब 1 घंटा मेरा इसी पोर्शन पे है। लेट्स से यार ये नहीं होना चाहिए, अगला मॉक जब मैं दूंगा तो ये बार बार का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। लेट्स से कुछ और गलती करेंगे इस बार ये गलती नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपका मैंने बताया ना, ये जो आपका एक्यूरेसी का ग्राफ है वो थोड़ा ऊपर जाएगा और आप 80 to 90% का एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए जिसमें निगेटिव मार्किंग होता है, जिस भी पेपर में निगेटिव मार्किंग होता है, हमेशा उसमें हमें एक्यूरेसी पे वर्क करना चाहिए जो कि हम नहीं कर रहे होते हैं। नेवर गो फॉर अटेम्प्ट लाइक कि मैं सर सब करके आता हूं, नहीं बच्चों, सिलेक्टेड करिए, सही करिए, लेकिन सिलेक्शन भी 80% से ज्यादा सही होने पे करिए। लाइक कि सर मेरा 80% से ज्यादा सही हो रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप सिलेक्शन करिए तो 80% से ज्यादा, और ये 80% से ज्यादा का सिलेक्शन सही तब होगा जब आप इंग्लिश में और सीआर में, जीके तो आप पढ़ ही लेंगे, इंग्लिश सीआर में, क्योंकि इसमें आंसर आएगा तो सही जाएगा और आंसर नहीं आएगा तो गलत जाएगा। तो इसमें आई डोंट थिंक कि कोई नेगेटिव मार्किंग आना चाहिए, क्योंकि ये आप पे करने पे डिपेंड करता है। सिर्फ यही 2 सब्जेक्ट है जो मुझे ऐसा लगता है, लीगल भी है तो आई डोंट नो अबाउट द लीगल, बट इन दोनों में है जहां पे आपका निगेटिव जाएगा मैक्सिमम। अभी टाइम है बच्चों, एक बार पूरा का पूरा डेडिकेटेड होके अपना समय दीजिए इसके ऊपर कि ओके अगर एक बार 2 ऑप्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, 2 घंटा टाइम देंगे इसके ऊपर, दोबारा ये रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम ये 2 ऑप्शन, ये वाली गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, नेवर। कुछ भी रिपीट हो ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। आने वाले टाइम पे कुछ भी रिपीट हो जाए गलती, बट ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए कि 2 ऑप्शन में 2 घंटा लग रहा है, ये नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों मैं फिर बोलूंगा कि इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जैसा मैंने आपको बताया ना कि देन ओनली आप इस निगेटिव मार्किंग को रिड्यूस कर सकते हो, बहुत अच्छे से रिड्यूस होगा। बहुत काम एंड कूल हो करके एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि जो गलतियां, जिस गलतियों की वजह से मेरा निगेटिव मार्किंग हो रहा है, उस गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करना है। लेट्स से नया गलती लेके आएंगे, ऐसा तो कोई भी बंदा 100% तो नहीं है, तो एक नई गलती को लेके आएंगे, फिर उस पर काम करेंगे। लेकिन अब निगेटिव मार्किंग पे थोड़ा सा स्टॉप रखेंगे, थोड़ा सा स्टॉप, 80 to 90% अपना टारगेट रखो कि मेरे को 80 to 90% एक्यूरेसी रीच आउट करना है किसी भी हाल में। माय पॉइंट इज दैट कि मेरे को 80 to 90% का एक्यूरेसी रीच आउट करना है किसी भी हाल में। आई होप बच्चों कि आपको ये बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि बच्चों पेपर आपका नजदीक आ गया है, आप सभी को पता है कि आपका पेपर नजदीक आ गया है, तो हम लोगों ने क्लैट चैंपियनशिप मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करा है बच्चों, जिसमें आपका प्राइस सिर्फ 4,999 रुपए है। आपको फुल लेंथ मॉक मिल जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, टेस्ट एज पर द लेटेस्ट क्वेश्चन पैटर्न मिल जाएगा, क्वेश्चन क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे। फटाफट से जाइए बच्चों और इस पे आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये फुल लेंथ डेडिकेटेड मॉक है, हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया है। आई होप यू रियली इंजॉयड द क्लास। इन केस अगर आप हमारा कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरा रेफरल कोड AMA5 यूज कर सकते हो, राइट। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू रियली इंजॉय द क्लास। तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय गाइस। कोई भी कमेंट हो प्लीज, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं फर्दर आपको रिप्लाई कर पाऊं। टिल देन बाय बाय गाइस, जय हिंद।